जय माता की दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर कैसा होगा। शनि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता है, क्योंकि शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। शनि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का शत्रु है, और कुछ समय से शनि की पोजीशन कर्क राशि वालों के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अब शनि की स्थिति में सुधार होने जा रहा है और कम से कम आने वाले 5 सालों तक शनि एक अच्छी पोजीशन पर रहने वाला है। पहले वो मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसके बाद चला जाएगा कुंभ राशि में। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है और 2 राशियों में वो 5 साल तक रहेगा, और दोनों राशि शनि की अपनी राशि है, तो हम कह सकते हैं कि शनि एक अच्छी पोजीशन पर जाने वाला है। और जब कोई ग्रह अच्छी पोजीशन पर जाता है तो वो निश्चित रूप से हमें अच्छे फल देता है। शनि सबसे ज्यादा स्लो गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, इसलिए उसका नाम शनिश्चर है। शनि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शनि के बारे में ज्योतिष के अंदर ये माना जाता है, यह जिस भी राशि में बैठता है, जिस भी घर में बैठता है, वो हमारी कुंडली के उस ग्रह को मजबूत बना देता है और जहाँ पर देखता है उससे संबंधित खराब फल देता है। कर्क राशि राशि चक्र की 4थी राशि है और शनि मकर और कुंभ 2 राशियों का मालिक होता है, और ये आपके सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि जहाँ पर बैठ जाता है उसकी ताकत को बढ़ाता है। सप्तम भाव ज्योतिष के अंदर वैवाहिक जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का भाव होता है। सप्तम भाव को व्यापार का भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव हमारी आयु का भाव होता है, और अष्टम भाव को ज्योतिष के अंदर बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव हमें हानि और परेशानी देता है। लेकिन शनि आपके सप्तम और 8वें भाव का स्वामी होकर आपके लाभ का भी मालिक है। सप्तम भाव को ज्योतिष के अंदर एक मारक भाव भी माना जाता है। ऐसे में शनि एक मारक ग्रह का स्वामी है। लेकिन अगर शनि की पोजीशन की बात की जाए, वर्तमान समय में शनि की पोजीशन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। शनि पिछले 2.5 सालों से धनु राशि में विराजमान है, जो आपके 6ठे भाव में आती है। इसे ज्योतिष के अंदर एक अशुभ भाव माना जाता है। शनि जब 6ठे भाव में बैठता है तो आपके लिए बहुत सारी परिस्थितियां पैदा कर देता है। 6ठे भाव में शनि बैठकर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ खराब स्थिति में होते हैं। व्यर्थ की मिस अंडरस्टैंडिंग रिलेशन को प्रभावित करती है। छोटी छोटी बातों पर जिस पर मतभेद नहीं होना चाहिए उस पर मतभेद शुरू हो जाता है। शनि के 6ठे भाव में बैठने से जोड़ों के दर्द, पेट संबंधित परेशानी, आलस्य का बढ़ जाना, शरीर में ऊर्जा स्तर की कमी का होना, व्यर्थ में इमोशनल हो जाना, ऐसी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। 6ठा भाव नोकझोंक का भाव भी होता है। शनि का 6ठे भाव में बैठने की वजह से रोगों में इजाफा हो सकता है। 6ठा भाव कर्जे का भाव होता है, तो ऐसा हो सकता है अगर आपके ऊपर लोन वगैरह चल रहा हो तो शनि की वजह से आप उसे ना चुका पाए। शनि की दृष्टियां घातक मानी जाती है। शनि की दृष्टि जब 8वें भाव में होती है तो आकस्मिक परेशानियां हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से शनि की वजह से आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जिनका वीजा संबंधित काम पेंडिंग है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित व्यापार करते हैं, उन्हें जिस बात की सफलता मिलनी चाहिए शनि की वजह से नहीं मिल पा रही है। शनि की अगली दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, और शनि की वजह से जिस तरह के आपको एफर्ट्स करने चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि शनि कहीं न कहीं आपके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डाले हुए हैं। और दूसरी दिक्कत शनि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। व्यर्थ के हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं शनि की वजह से। अब हम बात करेंगे शनि कब राशि परिवर्तित करेगा और उसके क्या फल होंगे। शनि अपनी राशि परिवर्तित करेगा 24 जनवरी 2020 को। 24 जनवरी 2020 को शनि राशि परिवर्तित करके मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो कि शनि की अपनी राशि है और आपके सप्तम भाव में आती है। शनि के सप्तम भाव में आने से बहुत सारे लाभ आपको होने वाले हैं। सबसे पहला लाभ आपको व्यापार में होने वाला है। आपका ग्रोथ काफी अच्छा होगा। आपके व्यापार में जो बाधाएं चल रही थी, जो धीमापन चल रहा था, उसको खत्म करेगा। शनि की ये पोजीशन आपके लिए नई पार्टनरशिप करवाएगी। अगर आपके साथ मतभेद वगैरह चल रहे थे तो उन्हें समाप्त करेगी। व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ शनि के सप्तम भाव में आने की वजह से हो सकती है। और दूसरा फायदा आपको ये होने वाला है कि शनि के सप्तम भाव में आने से आपके वैवाहिक जीवन में इम्प्रूवमेंट आएगा। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियां फेस कर रहे हैं तो उनका अंत होगा और आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर स्थिति में रहेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी और मिस अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कम होती दिखाई देगी, और आपके जीवन साथी के संबंध बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। उनके साथ संबंधों में सुधार होगा। यदि आप अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो 6ठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर
आपके जीवन को पूर्ण कराने के लिए समर्थ रूप से दिखाई दे रहा है। अच्छी बात ये है, यहाँ पर गुरु भी आपके लिए मददगार साबित होगा और गुरु और शनि का जो योग बनेगा वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। शनि की दृष्टि थोड़ी घातक होती है ज्योतिष के अंदर, तो चलिए जानते हैं शनि की दृष्टि आपके लिए कैसे नुकसान पहुँचा सकती है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि इस तरह की परेशानियों से आप बच सकें। शनि मकर राशि में जुलाई 2022 तक रहेगा। शनि की पहली दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। नवम भाव ज्योतिष के अंदर हमारी किस्मत का भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। नवम भाव पर शनि की दृष्टि कभी कभी आपके कामों में विलम्ब करेगी, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी शांति रखनी होगी। कर्क राशि वाले थोड़े से इमोशनल लोग होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। कभी कभी आपकी ईश्वर के प्रति आस्था कम दिखाई देती है, आपको लगेगा कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है, मेहनत करते हैं कुछ फल नहीं मिलता है, लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं होगा। एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आपको एजुकेशन में पूरी मेहनत करनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन की प्रायोरिटी को समझते हुए पढ़ाई करना आपके लिए बेहतर होगा। शनि की दृष्टि आपके स्वयं की राशि पर भी होगी और ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। शनि यहाँ पर कर्क राशि चंद्रमा का शत्रु है और शनि पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है? आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है, शनि की वजह से ज्वाइंट्स पेन, ऊर्जा स्तर की कमी, बहुत ज्यादा आलसी फील करना, नेगेटिविटी आपके मन में ज्यादा दिखाई देगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आपके अंदर आलस बहुत ज्यादा रहेगा, व्यर्थ की एक्टिविटीज में समय को लगाएंगे जहाँ पर आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी में पैसा लगाना आपके लिए समझदारी का काम नहीं होगा, ये आपके लिए नुकसान का कारक हो सकता है। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है, और अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, शनि देव की कृपा से उन परेशानियों का अंत होता दिखेगा, तो शनि के ये फायदे आपको होने वाले हैं। धन संबंधित लाभ की स्थितियां बनेंगी, बिजनेस का ग्रोथ आपका काफी अच्छा हो सकता है, नए पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, व्यापार के माध्यम से आपका धीरे धीरे बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा और आप काफी अच्छा पैसा कमा सकेंगे। शनि की पोजीशन मकर राशि में आपके लिए एक अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि ये कह रही है थोड़ी सी मेंटल पीस की कमी होगी, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन योगा वगैरह करना होगा जिसमें आपको शांति की पूर्ति हो। माता जी के साथ संबंधों में खराबी हो सकती है, माता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लेनी है, ये बात आप मानकर चलें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे हैं तो एकदम सही प्रॉपर्टी पर पैसा निवेश करें और यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करेगा जुलाई 2022 में, जो शनि की अपनी राशि होती है, और वहाँ पर शनि मार्च 2025 तक रहने वाला है, तो शनि की यह पोजीशन आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। अष्टम भाव ज्योतिष के अनुसार आकस्मिक लाभ का भाव होता है, हमारी आयु का भाव होता है, और जब यहाँ आकस्मिक चीजों के भाव में शनि आएगा तो वो आपको आकस्मिक लाभ करवाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो शनि की दृष्टि से आपके प्रॉपर्टी संबंधित केस सॉल्व हो पाएंगे, उसका डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। अगर कहीं पर आपका पैसा ब्लॉक था तो वो वापस आ सकता है। ऐसा काम जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत या परिश्रम नहीं की थी, तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, तो शनि की कृपा आपको आकस्मिक लाभ करवा सकती है। जो लोग ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। जो लोग साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, उनके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना वैवाहिक जीवन में कभी कभी परेशानी कर सकता है। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है वैवाहिक जीवन को लेकर। शनि की दृष्टि दशम भाव पर होगी। शनि की दृष्टि दशम भाव पर होने से करियर संबंधित मामलों में कुछ परेशानी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बच्चों के मामले में कुछ तनाव दे सकती है, तो शनि दोनों तरह के फल देगा, तो शनि जहाँ पर बैठेगा वहाँ आपको लाभ देगा और शनि जहाँ पर देखेगा वहाँ आपको नुकसान पहुँचाएगा। और जब शनि अष्टम भाव में आता है तब शनि की ढैया भी होती है। जब शनि कुंभ राशि में होता है तो कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया चलती है और ये थोड़ा सा नुकसानदायक माना जाता है, तो जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तब आपकी ढैया चलेगी जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2025 तक शनि की ढैया रहने वाली है। लेकिन आपको उतना ज्यादा चिंतित या परेशान होने की बात नहीं है, और कर्क राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती तब आरंभ होती है जब शनि मिथुन राशि में प्रवेश करता है। जब शनि कर्क राशि में होता है तो शनि की साढ़े साती का दूसरा फेस होता है, जब शनि सिंह राशि में जाता है तो तीसरा फेस होता है, और जब शनि कन्या राशि में जाता है तो शनि की साढ़े साती खत्म होती है। इन तीन राशियों में होने पर शनि की साढ़े साती बनती है और एक राशि में शनि ढाई साल तक रहता है।
रहता है, इसलिए उसे शनि की साढ़े साथी कहते हैं। तो आपके लिए शनि की साढ़े साथी नहीं आने वाली है, अभी बहुत साल बाकी हैं शनि की साढ़े साथी आने में। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है तो शनि आपका कमजोर होगा, और यदि विवाह फिक्स होने में प्रॉब्लम आ रही है तो शनि आपका कमजोर होगा। अगर आपकी जीवन साथी के साथ बनती नहीं है तो शनि आपका कमजोर होगा। अगर आपका नुकसान होता है तो शनि आपका कमजोर होगा। ऐसे में आपको शनि को मजबूत बनाने के उपाय करने चाहिए। शनि के मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिदेव के मंत्र जाप करके शनिदेव चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। अगर आप गरीबों की सेवा करेंगे, लोगों का बुरा नहीं करेंगे, तो शनि कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।